सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा दसवीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 4 को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक मनुष्यता है। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आज दुनिया में महान बनने की चाहत तो हर एक में है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो महान बने, उसका नाम हो। लेकिन इस महान बनने की चाहत में पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। देखो बच्चों, जो व्यक्ति मानवता की सेवा नहीं कर सकता, वह ईश्वर की भी आराधना करने के लायक नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य में ईश्वर को देखकर मानव मात्र की सेवा करता है, कल्याण के कार्य करता है, वास्तव में वही मनुष्य असली मनुष्य कहलाता है। देखो बच्चों, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इस कविता को गहराई से पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम जिंदगी की परीक्षा में भी अच्छे से पास हो जाएंगे। मनुष्यता कविता के द्वारा कवि त्याग, बलिदान, सहानुभूति, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों की व्याख्या से पूर्व कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मृत्य यानी मरने वाला, नश्वर, वृथा बेकार, सुमृत्यु जो मनुष्य दूसरों के लिए अच्छे काम कर जाता है, उस मनुष्य को मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं, उसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। पशु प्रवृत्ति, वह मनुष्य पशु के समान होता है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचता है। मनुष्य, वास्तव में मनुष्य वह होता है जो दानी है, शील से संपन्न है, शुभ गुणों से सुशोभित है तथा जिसका व्यवहार उत्तम है। अब कविता की व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, यानी मृत्यु अवश्यंभावी है, एक ना एक दिन होनी ही है, इसलिए हमें मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, यानी हमें ऐसी मृत्यु मरना चाहिए कि हमें मरने के बाद भी याद किया जाए, यानी हम ऐसे कार्य करें जो लोगों के हित में हो और हमें मृत्यु के बाद भी हमारे अच्छे कर्मों के लिए याद किया जाए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु उसे कहा जाता है जिसमें व्यक्ति के अच्छे कर्मों के लिए उसे मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। तो अगर सुमृत्यु नहीं होती तो वृथा यानी बेकार, वृथा मरे वृथा जिए, आप बिना मतलब के जिए और बिना मतलब के ही मर गए, यानी आपका जीवन निरर्थक था, आप स्वार्थी थे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, इस पंक्ति का यह अर्थ है कि वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है वह मरकर भी नहीं मरता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, आप यानी सिर्फ अपने लिए। वह व्यक्ति पशु के समान है जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है। जिस प्रकार पशु सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही घास चरता है, शिकार ढूंढता है, वह सिर्फ अपने लिए जीता है, स्वार्थी होता है, ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है वह पशु के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, असली मनुष्य वही है जो मानवता की भलाई के लिए, सबके हित के लिए कार्य करे
और अपने शरीर तक का बलिदान दे दे। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जीकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होनी ही है। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मानव सिर्फ अपने लिए जीता है और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता, उस व्यक्ति का जीना और मरना दोनों बेकार है। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वह मरकर भी अमर हो जाता है। उसके कार्यों के लिए हमेशा उसे याद किया जाता है। परोपकारी व्यक्ति सबकी यादों में मरकर भी जीवित रहता है। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो परहित के लिए यानी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीता है। असली मनुष्य वही है जो अपने कर्मों से दूसरों को लाभ पहुंचाए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। व्याख्या से पूर्व कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। उदार महान, कथा कहानी या किस्सा, बखानती यानी गुणगान करना, धरा धरती, कृतज्ञ आभारी, सजीव जीवित, कीर्ति यश, सृष्टि संसार, आत्मबोध स्वयं को जानना, कुंजती करना, अखंड जिसके टुकड़े न किए जा सके, असीम पूरा विश्व संसार। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी ऐसे परोपकारी व्यक्ति की कथा कहानियाँ सरस्वती यानी हमारे वेद और ग्रंथ बखानते हैं, यानी उसका वर्णन करते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, यानी उसी उदार व्यक्ति से पृथ्वी अपने आप को कृतज्ञ ऋणी मानती है कि धरती पर जन्म लेकर उस परोपकारी व्यक्ति ने धरती को कृतार्थ कर दिया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, ऐसे उदार व्यक्ति का चारों तरफ यशगान होता है और सजीव कीर्ति यानी जिस प्रकार किसी जीवित व्यक्ति की बातचीत की जाती है, ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति की मरने के बाद भी सजीव कीर्ति गूंजती रहती है। चारों तरफ उसके यश गाथा गूंजती रहती है, उसका गुणगान किया जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसके अच्छे कर्मों के कारण सारा संसार उस महान व्यक्ति की पूजा करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके, बिना भेदभाव के सबको एक समान देखने वाला, ऐसा आत्म भाव जो विश्व में भरता है, ऐसा व्यक्ति आदरणीय होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वह है जो परोपकार के कार्य करे और मनुष्यता के लिए अपना बलिदान दे दे। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रसंग में आप यह बताएंगे कि कवि यह कहना चाहता है कि जो मानव परोपकार के लिए जीता है और परोपकार करते करते मर जाता है, उसका यशगान उसके मरने के बाद भी युगों युगों तक किया जाता है। अब व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में परोपकार के कार्य करता है,
सबकी उन्नति के लिए कार्यरत रहता है। उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती भी करती है, अर्थात पुस्तकों और ग्रंथों में ऐसे व्यक्तियों के यश की गाथा लिखी जाती है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति का आभार मानती है, क्योंकि धरती पर जन्म लेकर उन्होंने धरती माता को गौरव दिलाया होता है। महापुरुषों के बारे में लोग ऐसे बातचीत करते हैं जैसे जीवित व्यक्तियों के बारे में बातचीत कर रहे हों, और पूरी सृष्टि उस महापुरुष की पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति सारे संसार को अखंड प्रेम भाव, एकता और भाईचारे की भावना में बांधकर रखता है, वास्तव में वही सच्चा मनुष्य होता है, जो अपने जीवन को तो परोपकार से सफल करता ही है, साथ ही साथ अपने उदारता भरे कार्यों से औरों के जीवन को भी सफल कर देता है। शुदार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उशीनर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। व्याख्या से पूर्व कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शुद्धार्थ यानी भूख से परेशान, करस्थ हाथ की, परार्थ पूरा, अस्थि जाल हड्डियों का समूह या ढांचा, अनित्य यानी जो शाश्वत ना हो, क्षण भर के लिए रहने वाला, अनादि जिसका आरंभ ना हो, अर्थात जो सदा से बना चला आ रहा हो, उशीनर क्षितिश उशीनर देश के राजा शिवी, सहर्ष खुशी से, शरीर चर्म यानी शरीर का कवच, देह शरीर। इन पंक्तियों में कवि ने चार महान लोगों के त्याग का जिक्र किया है, जिसमें एक महान व्यक्ति थे राजा शिवी। उन्होंने एक बाज से कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के मांस का दान कर दिया था, और उनके त्याग की भावना इतनी महान थी कि आज तक उन्हें याद किया जाता है। दूसरे महापुरुष थे दानवीर कर्ण, जो दान करने में एक क्षण भी विचार नहीं करते थे। एक दिन उन्हें सपने में भगवान सूर्य देव दिखाई दिए। उन्होंने कर्ण से कहा कि कल इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने आएगा, लेकिन तुम देने से मना कर देना, क्योंकि ये कवच और कुंडल तुम्हारा रक्षा कवच है। अगर तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना, इंद्र देव को दान करने से मना कर देना। लेकिन देखो, कर्ण ने कहा कि मेरा प्रतिदिन का नियम है दान देने का, यदि उस समय मुझसे कोई मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं मना नहीं कर सकता। अब अगले दिन इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने आते हैं। कर्ण एक क्षण भी अपनी जान की परवाह नहीं करते और अपने शरीर से कवच और कुंडल को अलग करके उन्हें दान में दे देते हैं। कर्ण के साथ ये कवच और कुंडल जन्म से ही थे, जो एक सुरक्षा कवच का काम करते थे। जब ब्राह्मण ने इनको दान में मांगा तो कर्ण ने बिना संकोच किए तलवार की धार से कवच को अपने शरीर से अलग कर दिया। उनके शरीर से खून की धारा बहती रही, लेकिन फिर भी कर्ण ने अपना विचार नहीं बदला। कर्ण की इसी दानवीरता के लिए उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से याद किया जाता है। तीसरे महापुरुष थे ऋषि दधीचि, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया था। इंद्र ने शिव की आज्ञा के अनुसार दधीचि से हड्डियों का दान मांगा था। महर्षि दधीचि जानते थे कि उनके शरीर की हड्डियों से राक्षसों का नाश होगा और देवताओं की रक्षा होगी। उन्होंने बिना विचार किए संसार की भलाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए।
उनके मन में स्वार्थ की भावना बिल्कुल नहीं थी। वे सबका मंगल चाहते थे, इसलिए उन्होंने संसार के हित के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। उनकी हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बनाया गया था, जिससे वृत्तासुर नामक राक्षस का वध किया गया था, और उसकी मृत्यु के बाद देवताओं का फिर से देवलोक पर अधिकार कायम हो गया था और संसार में धर्म का राज कायम हुआ था। इस धर्म के राज को दोबारा से कायम करने के लिए ऋषि दधीचि को हमेशा से याद किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। चौथे महान व्यक्ति थे राजा रंतिदेव। राजा रंतिदेव बड़े प्रतापी और दयालु थे। वो जब भी किसी गरीब को कष्ट में देखते थे तो अपना सब कुछ दान कर देते थे। यहाँ तक कि उन्हें जो कुछ भी मिलता था वो उसको भी दान कर देते थे। एक बार उनके राज्य में बहुत अकाल पड़ा और राजा ने अपना सब कुछ दान कर दिया। ऐसे दानवीर राजा पूरे 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे। अब भूख प्यास से पीड़ित राजा का शरीर कांपने लग गया। उन्हें 49वें दिन कहीं से भोजन प्राप्त हुआ। अब वो जैसे ही भोजन ग्रहण करने लगे, इतने में ही उनके सामने एक ब्राह्मण अतिथि आ गया और उनसे भोजन मांगने लगा। अब राजा जानते थे कि भूखे पेट अन्नदान करना महादान होता है। उन्होंने अपने हाथ की थाली उस ब्राह्मण अतिथि को दान कर दी। उनके इस दान के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है कि किस प्रकार खुद भूखे रहकर उन्होंने अपने हाथ की थाली भी ब्राह्मण को दान कर दी। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। भूख से व्याकुल रंतिदेव ने अपनी परवाह ना करते हुए भी अपने हाथ की थाली दान कर दी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। ऋषि दधीचि ने दूसरों की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। राजा शिवि ने अपने मास का दान कबूतर की रक्षा के लिए किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर के चर्म यानी कवच और कुंडल का दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यह शरीर अनित्य है, एक ना एक दिन तो मिट जाना है, इसके लिए यह अनादि जीव क्यों डरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य तो वही है जो दूसरों की भलाई के लिए परोपकार के कार्य करता है और अपने जीवन को सफल बना देता है। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने अनेक ऐसे महापुरुषों का उदाहरण दिया है जिनके परोपकार और महान कार्यों के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। व्याख्या देखेंगे, कवि कहता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंतिदेव ने अपनी परवाह ना करते हुए अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीचि ने तो देवताओं की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिवि ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी प्रसन्नता से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मृत्यु एक ना एक दिन तो आनी ही है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए त्याग करता है और मरकर भी अमर हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अगर अपना जीवन सफल करना है तो उसे औरों के काम आना चाहिए और परोपकार के कार्य करने चाहिए।
सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। सहानुभूति दया करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता वश में करने वाला, मही ईश्वर, विनीत विनय यानी विनम्रता से युक्त, विरुद्ध भाव यानी खिलाफ होना, उदार दयालु। इन पंक्तियों में कवि कहता है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, यानी हमारे हृदय में सबके लिए दया और करुणा होनी चाहिए, यही महाविभूति है यानी सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, यानी वशीकृता यानी वश में करने वाला, मही मतलब ईश्वर। जो व्यक्ति सबके लिए अपने हृदय में करुणा और उदारता का भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति के वश में स्वयं ईश्वर हो जाते हैं, यानी ईश्वर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो सबकी मदद करता है। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, सहानुभूति उदारता और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने जब लोगों को दुख और कष्टों में देखा तो वे समाज के नीति और नियमों के विरुद्ध चले गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, बुद्ध की इस करुणा के लिए विनीत यानी विनम्र लोक वर्ग यानी संसार, उस समय संसार के विनम्र लोग क्या उनके सामने नहीं झुके यानी झुके। आज भी पूरा संसार उनकी करुणा के सामने नतमस्तक होता है, उन्हें नमन करता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कवि कहता है कि वास्तव में वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार यानी दूसरे की भलाई के लिए कार्य करता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करता है। वह अपना जीवन तो सफल करता ही है, साथ ही साथ अपनी मृत्यु भी सफल कर जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन और मरण दोनों ही सार्थक हो जाते हैं और पूरा संसार ऐसे उदार व्यक्तियों के यश की गाथा गाता है। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने उदारता यानी दया को सबसे बड़ा धन बताते हुए महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है कि किस प्रकार उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। व्याख्या देखेंगे। कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहता है कि मनुष्यों के मन में दया प्रेम व करुणा का भाव होना चाहिए। वास्तव में यही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति दया और करुणा का भाव रखकर सबकी सहायता करते हैं, ईश्वर भी स्वयं ऐसे लोगों के वश में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। जब वे संसार के नीति और नियमों के विरुद्ध जाकर भलाई के कार्य कर रहे थे, तब क्या समाज के विनम्र लोग उनके आगे नहीं झुके? अर्थात उनकी दयालुता व परोपकार के कारण संपूर्ण मानव जाति आज भी उनको याद करती है और उन्हें पूजती है। महान उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो परोपकार के कार्य करता है। वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों की भलाई के लिए जीता है और मरता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ
और आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कविता स्पष्ट हो गई होगी। इससे आगे की कविता को समझने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।